हमने उन्हें ये बताया है, माइक भी निकाल लूं, माइक लगाऊं इसके साथ, माइक लगाऊं, माइक लगाऊं, उसके अंदर जो मीटिंग के लिए डीसी इस्लामाबाद साहब की तरफ से जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, जब उसको चीट किया गया तो स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट ने इस एहतजाज का ऐलान किया था, पर हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जिस वक्त इंतजामिया हमें अशूर नहीं करवा देती कि आपके मुतालबात को माना जाएगा। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हमने यहाँ से डंडा देनी है, जिसके अंदर हम अपने आप ही नाया मत का ऐलान करेंगे। हम मीडिया टॉक के जरिए ये बात भी बताना चाहते हैं कि जो HEC के साथ एक मीटिंग तय पाई है, हम स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। वो जो मीटिंग थी उसके अंदर स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, बल्कि DC इस्लामाबाद ब्लॉक पे एक सियासी इस्लामी जमीयत तलबा को उस मीटिंग के अंदर ले जाया गया। हम आपको जवाब देंगे। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से और HEC की तरफ से ये एक डिले टैक्टिक्स जो स्टूडेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसला होगा तो वो स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट इस सर पे खड़े होकर नोटिफिकेशन लेके स्टूडेंट्स के हवाले करेगी कि जो पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाया गया है, हम उसको ऑनलाइन ही हमने एग्ज़ाम्स देने। और हमारा एक दूसरा मुतालबा भी है स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट का, वो ये है कि जो अगला आने वाला सेमेस्टर है उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए, स्टूडेंट्स के साथ ये मजाक ना किया जाए, उनके मुस्तकबिल के साथ ये साजिश ना की जाए, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो नॉर्मलाइज हैं तो स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस तालीम दी जाए, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन कैंपस की एग्ज़ाम्स दें, चाहे कोई लर्निंग का एक सिलसिला है वो जारी हो सके। लिहाजा हमारा प्रोटेस्ट HEC के सामने जारी है। हम तमाम स्टूडेंट्स से ये मुतालबा करते हैं इस मीडिया टॉक के ज़रिए कि वो फिल्फोर HEC के सामने शामिल हूँ। जो अगला लाए अमल है या जो आगे का हमारी स्ट्रेटजी है वो मैं अपनी मुज़ाकराती टीम के ज़िम्मेदार संगर साहब के हवाले करता हूँ कि वो इसके ऊपर बात रखें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ भी की वजाहत भी करना चाहूँगा कि कुछ जगहों पर ये बातें चल रही है कि ये कमेटी किसी एक मखसूस यूनिवर्सिटी की कमेटी है। मैं इस चीज़ को वाज़ह करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट की जो है ये किसी एक यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान भर के तमाम तालीमी इदारों में जो इस वक्त फिज़िकल इम्तिहान का मसला चल रहा है, ये कमेटी और ये मूवमेंट उन तमाम यूनिवर्सिटियों की लड़ाई HEC के साथ लड़ रहा है। हमारे जो मुतालबात है वो अज़हर साहब ने रखे कि जो दो बुनियादी मुतालबात है, एक हमारा ये कि हमें फ़िज़िकल इम्तहानात हमसे ना लिए जाए क्योंकि पूरा सेमेस्टर हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है। हाँ, अगर ये फ़िज़िकल इम्तहानात लेना चाहते हैं तो हम इन्हें एक और ऑप्शन देते कि दो महीने हमें यूनिवर्सिटी बुला के हमें पढ़ाए वो कोर्स सारा, उसके बाद ये हमसे फ़िज़िकल इम्तहान ले सकते हैं और अगला सेमेस्टर हमारा मुतालबा है कि मुकम्मल तौर पर फ़िज़िकल और रेगुलर चले। तो इस हवाले से HEC साहिबा को हमने अपने मुतालबात पेश किए हैं और हमने उनसे खुल के कहा है कि हम किसी बंद कमरे में मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हाँ वो हमारी इन मुतालबात उन्हें समझ आती है और वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके क्राउड के सामने बैठ के हम मुज़ाकरात करेंगे और जो फैसला होगा उस पर हम आगे चलेंगे। हाँ, अगर फैसला हमारे हक में होता है तो हम इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता और अब भी हमारे साथ वही तरीका किया जाता है जो पिछले एक हफ्ते से स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, तो फिर हम आगे का लाए अमल मंगल के रोज़ देंगे और उसमें मुमकिन है कि हम मुल्कगीर सतह पर नौजवानों के एहतजाज की कॉल दें।
इसके अलावा यहाँ पर हम एक और इशू हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी का इशू हम हाईलाइट करेंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक तो फिज़िकल इम्तिहानात का मसला है और उससे हट के वहाँ पर जो उनको अलाउ है 60 सीटें एक डिपार्टमेंट में, वो 60 से ज़्यादा सीटों पे स्टूडेंट्स को लेते हैं और उन स्टूडेंट्स को बाद में ये मसला फेस आता है कि उनकी डिग्रियाँ यहाँ पर HEC से या पे दीगर इदारों से वो रजिस्टर्ड नहीं होती और उनका मुस्तकबिल उस तरह से ज़ाया हो रहा है। तो हम ये भी मुतालबा करेंगे कि HEC तमाम तर यूनिवर्सिटियों पे जो HEC के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी लागू किया जाए और यकीन दहानी कराई जाए कि मजीद तमाम यूनिवर्सिटीज़ उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। बहुत शुक्रिया।